अगर अपने नबी से प्यार ना करें तो किस से प्यार करें? कौन वफादार है, है। क्या मत का मंजर होगा मैं अपनी बेगम से कहूंगा मैं तो मैं नहीं पहचानता मेरे रब रबती कसमिन व उम्मे ही व अबी है वह साहेबत ही व बनी है ये मुजरिम लो यफ यूम मीन योम बनी है वो साहेबती फिलती है, है फिल नहीं पहचान था ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचान थी ये यूसफ मेरा बेटा बैठा है मैं कहूँगा कौन हो कहा से आयो ये कहेगा अबा आप कौन हो कहा से आयो भाई भाई को नहीं पहचानेगा माँ बे माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है और जब जहनों में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफसे नफसी आदम नफसे नूह अलैहिस्सलाम नफसी नफसी इब्राहिम नफसे नफसे इस्माइल, इसहाक याकूब यूसुफ यूनुस रीसा मूसा यूशा लूत शुएब साले, हूद, सारे अम्बिया, नफसी 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 मेरी जान बचा, मेरी जान बचा एक तरफ से एक आवाज आएगी एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती वाह या रसोल्ला हम आप पे कुर्बान जाए जिस दिन माँ नहीं पूछ रही नबी नहीं पूछ रहे बेटा नहीं पूछ रहा भाई नहीं पूछ रहा रब उम्मत यारम्मत या उम्मती उम्म या मेरी उम्मत या मेरी उम्मत अल्लाह मेरी उम्मत तो नजरें तवाफ करेंगी ये आवाज कहां कहा से आ रही है ये कौन बोल रहा है सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी, तो वहां मेरे आपके जोली फैला के खड़े मेरी उम्मत को या मेरी उम्मत को कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे जुए खेलते रहे जिना करते रहे सूत खाते रहे झूठ बोलते चोरियां करते रहे मेरे नबी कह रहे मेरी उम्मत को बचा ले मेरी उम्मत को बचा तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे मौत पे रिश्ते टूट जाते मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ईसालाम इस कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल लेकर कर मेरी जान मुझे मरियम जाने तू जाने मेरी ईसा पांच बड़े रसूल हैं नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुसलवात व तस्लीमात सलाम कहेंगे या मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर मेरी जान बचा और मेरा नबी कहे अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले कौन सी उम्मत उन्हें सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया मेरा नबी कहता दफा हो जाओ दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया सब बिलत ये नहीं कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले मेरी उम्मत के मुत्तकी मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा नहीं अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल यहाँ अल्लाह कहेगा माफ़ी चाहता जज्बाती हो ग मेरे भाई बहनों मेरे बच्चों थोड़ी सी जिंदगी मिली है थोड़ी सी जिंदगी मिली है अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ जब आप बच्च जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते मैं उनकी खिदमत करता फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती क्योंकि माँ को देखा है ना बाप को देखा नहीं है तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ नमाज फिर पढ़ा दूंगा अपने वालदेन की इज्जत करो यहाँ जब यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजज होते हैं अपनी माँ की दुआ लो अपने बाप की दुआ लो मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर मेरे बाद एक आदमी आएगा उसका नाम होगा अवैस और वो करण की शाख से होगा गया टाइम अच्छा अच्छा उससे दुआ कराना, अली आप भी उमर आप भी अल्लाह किस लिए क्या उसने मां की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हदरत उमर रजी अल्लाह ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए कहा भाई यमन वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाओ तो बैठ गए फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ कर्न वाले खड़े रह जाओ तो एक आदमी खड़ा रहा कहा तुम करनी होगा जिया अवैस को जानते हो जी मेरे भाई का बेटा है लेकिन थोड़ा पागल सा है आप क्यों पूछ रहे हैं हाँ ने फरमाया वो नहीं तू पागल है किधर है कहा जो ऊँट चराने गया है उधर आरफात की तरफ तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर देखा तो अवैस कर एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊँट चर रहे थे तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी तो हरसुमन हाँ ने पूछा कौन हो भाई काजी मैं मजदूर हूं कहा तेरा नाम क्या है काजी अल्लाह का बंदा कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है उसने तो ना हज़रत उमर को देखा था ना अली को वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले ये तो मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ तो हज़रत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरमिन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी ालिब तो वो ऐसे कांपने लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं पहली दफ़ा आया हूँ मैंने आपको देखा नहीं फरमाइए आप हज उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर तो वो रोने देंगे आप नबी के सहाबी इस मस्किन मैं, मैं दुआ करूं मेरी औकात है मैं दुआ करू कहा हमें हमारे नबी ने फरमाया था अब ऐसा तो दुआ करवानी है उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है पीछे तजुद है नहीं जिहाद है नहीं जिहाद है नहीं नमाज है नहीं रोजा है नहीं जक़ात है नहीं खैरा है नहीं क्या है मां की खिदमत मां की खिदमत मां की खिदमत मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे अवैस चलेगा जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो बाकी अंदर चले जाओ तो अवैस करने डर जाएंगे कि अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो वैसे पीछे मुड़के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहनम में जा रहे होंगे ईमान वाले गुनागार मुसलमान तो मेरा अल्लाह कहेगा उंगली को फेरता जा जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा ये माँ है सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है ये माँ है मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरे जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा ये बाप का मकाम है फिर आप ने ग्यारह शादियां की क्यों की माँ सुनो हदीस माता व इल्ला समा नजल का मेरे साथियों सुनो अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो मैंने की मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया तो इतनी शादियाँ क्यों की हैं हमें घर की ज़िंदगी समझाने के लिए मेरी बात गौर से सुनो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिंद और बीवी है जब यह टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई आप घर में झाड़ू दे रहे हैं आप आटा गूंद रहे हैं आप हजरत आयशा को लुक में बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की आयशा आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है ये हमें सिखाने के लिए था सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिंद को दे खामिंद अपनी बीवी को दे हन्न लिबास तुम लिबासहुन तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है आपने ग्यारह घरों को किस तरह आबाद किया किस मोहब्बत से किया कि दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं ये हुसन सलूक ये मोहब्बत तो हाँ हताशा की उम्र थोड़ी थी जिहाद के सफर से वापसी हो रही तो आपने साहबा से कहा चले जाओ सारे आगे सारे आगे चले गए तो सिर्फ आप दोनों रह गए तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाए सुबह अल्लाह हज हम आयशा नहीं कहा मेरे आयशा दौड़ लगाए लगाए तो कहने लगे हमने दौड़ लगाई तो कह लगे मैं आगे निकल गई आप पीछे रह गए चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफर से आ रहे थे आपने कहा साहब से जाओ अभी चले जाओ आगे 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 वो गायब हो गए फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाए तो मैंने कहा जी लगाए कौन दिनों जरा मैं मोटी हो गई थी हैं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए मैं पीछे रह गई तो आपने कहा हाज ही बे तिलखा आयशा तू मैं अब बराबर हो गए एक दौड़ तुमने जीती एक दौड़ मैंने जीती ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए और श... औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिंद को सजदा करें ताकि एक नस्ल तैयार हो एक नस्ल तैयार हो बैलेंस ज़िंदगी गुजारो मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है मेरे पास परसों तीस चालीस लोग आ गए यहाँ जो सलमा साहिबा हैं सलमा ही नाम है ना सलमा जाहिद तो एक ने कहा जी यहां हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं। क्या करें कोई हमें इसका सलूशन बताया मेरे को बहुत आसान है माँ अपने बच्चे को टाइम दे नसीहत की बात नहीं कर रहा हूं टाइम दे मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पर बैठा के कमरे में चक्कर लगाते इतने बड़े हस्ती इतने बड़े नबी और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन जैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है एक दफा आप सजदे में गए फर्ज नमाज फर्ज और सजदा लंबा इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी हो गए अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा भाई चक्कर की तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं मैंने कल भी कहा था डाइन न बनो मां बनो थानेदार ना बनो बाप बनो तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं तो मुझे देखना आपने यहां से ऐसे सजदा होता है ना तो आपने इदर या इदर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए तो आपने सजदे में यूं किया ये देख रहे हो वो पिछड़ गए जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया और जब नमाज से फार हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया कब अभी हम व अम्मी लातू हम मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं इन्हें दुख ना पहुँचाना क्या आप देख रहे थे एक जहर में तड़प तड़प तड़ के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेजे पे चढ़ाया जाएगा आपको औलाद की मोहब्बत नबी जिस दिन आप जा रहे थे फिर बारह रबी अलाउल ग्यारह हिजरी 611 सौ ग्यारह ईस्वी छ जून आपने सारी बीवियों को बुलाया इतमान से मिले रुख्सत फरमा दिया फिर दामाद अली को बुलाया उनका सर अपनी गोद में रखे उनके कमर पे हाथ फेर ना फातमा को बुलाया उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूँ वो रोने लगी करो रो नहीं तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी छह महीने बाद सिर्फ चौबीस साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ फिर आपने अली को बुलाया दी। फिर हसन हुसैन को बुलाओ जो ही आपने उनको यूं लिया तो आप कैसे पानी की तरह आंसू बहने लगे इस तरह इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेजे पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है लेकिन आपने तकदीर अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए और जिबरी थोड़ी देर के बाद जिबरी लाए यार्ला मौत का फरिश्ता बाहर है अंदर आना चाहता है जहां मौत भी पूछ के आए उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें मालकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर का असलामे का यारसूल अल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ मैंने नबियों की जान निकाली नेकों की किसी को सलाम नहीं किया आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना बगैर पूछे ना जाना आप पहली हस्ती हैं मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे का जी निकालूंगा तो आपने जुबरील को देखा आदमी यहां से सवाल करता है कि तू क्या कहता है जाऊं या ठहरू तो जबरील के या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए आज सातों आसमान के फरिश्ते सुनो अब मेरी आखिरी बात है आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर उनके लिए हाथ नहीं उठाए आपने जुबरील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा ये ये जो हम बैठे हुए गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर चेहरे पर लेकर का जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या कर मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा जुबरील वापस गए और वहाँ से पैगाम आया कि मेरे महबूब हम आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे मुझे मेरे रब की इज़्ज़त की कसम इधर टाइम भी ख़त्म हो चुका है मैं आखिरी बात कर रहा हूँ अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर घटा गया एक रात आप भूख से रिलेटिव हैं ऐसे कभी यूँ होते हैं कभी यूँ होते हैं करोड़ हज़रत ऐशा के घर की बारी कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए यूं यूं झुक गए हजरत आयशा बेकरार हो के खड़ी हो बैठ गए यार ये आप क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे थे मेदे को कर रहे थे भूख की शिद्दत फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी आयशा भूख बड़ी लगी जिसके लिए कायनात बनाए आयशा भूख बड़ी आयशा तो तो रोने लगी या यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा अब मांगते क्यों का आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूँ मेरे अजीजों मेरे बच्चों नौजवान बैठे हो बच्चियां बच्चे अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो आपके घर आबाद हो जाएंगे बर्दाश्त करना सीखो माफ करना सीखो अब आप कैनेडियन हो या जहां से भी हो इस पासपोर्ट की इज्जत करो यहाँ के कानून का एहतराम करो यहाँ वायलेशन ना करो झूठ ना बोलो किसी को धोखा ना दो यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं क्या मत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो टैक्स की चोरी मत करो ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं हैं लेकिन ये हुकूमत तो तुम पर लगाती है तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है के सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो यहां के कानून को औरों से ज्यादा अच्छी तरह फॉलो करो दूसरा यहां गैर मुस्लिम रहते हैं सबको इज्जत दो सबको इज्जत दो उनकी खुशी में उनको मुबारक दो वो उन पे गम आए तो जाके उनके दुख दर्द को बांटो वो बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पूछने जाओ वो मर जाएं तो घर वालों से जाकर अफसोस करो तब जाकर वो इस्लाम के लिए सोचेंगे कि ये कौन है मोहब्बत करने वाले हमदर्दी करने वाले हम अपने ही कुएं में घूम रहे हैं घूम रहे हैं मेंढक की तरह किस तरह बात आगे जाएगी जब तक वो हमारे अखलाक नहीं देखेंगे हमारी मोहब्बत नहीं देखेंगे हमारी खिदमत नहीं, नहीं देखेंगे कितने यहाँ ओल्ड होम्स बने हुए हैं चक्कर लगाया करो जाके सिर्फ एक स्माइल दे दो तो उस बूढ़े का सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा कितने करने के काम हैं अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान में जायद ना बनाओ यहां अपना सब कुछ खर्च करो वहां कारोबार ना करो यहां कारोबार करो उधर जक़ात ना दो इधर जक़ात दो यहां भी बहुत जक़ात के मुस्तक लोग आपको मिलेंगे यहां खर्च करो और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं फौजान बेटे का, का जिससे मुझे तीसरी दफ़ा बुलाया तो इधर ज़ीरो ज़ीरो हो गया है तो मैं भी ऑफ हो गया हूँ असलमकम